मेरा नाम सहर का मेरा बिश्रा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो यार आप सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद बोलना चाहेंगे क्योंकि भाई इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ, जिस मैच ने हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है, जिसमें भाई विराट कोहली ने भी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके अलावा मोहम्मद शमी ने 7 विकेट ले गए, तो न्यूजीलैंड की जो बोलते हैं ना तबाही मचा दिया है, मजा आया सच्ची में, बैंड बजा दिया। आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे वीडियोस देखने के लिए। उससे पहले बोलना चाहती हूँ कि हमारा चैनल है सहर रिएक्शन के नाम पे, वहाँ पे महाभारत अपलोड करे, वो भी जाके देखना, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो हाइलाइट्स है वो देखते हैं, मजा आएगा। प्लीज वीडियो कहीं तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते हैं छोटे छोटे। देखिए कल सवाल ये था कि कहीं बोल्ट हमारे नट बोल्ट ना खोल दे, पर जवाब है कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं। सवाल ये था कि कहीं केन विलियमसन हमारी उम्मीद में आग लगाकर फिर से तो नहीं निकल जाए, नहीं जी। पर जवाब है कि शमी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सवाल था कि क्या 2019 की हार का बदला हम ले पाएंगे, और जवाब है ले लिया ब्रो, न्यूजीलैंड की ऐसी की तैसी कर दी ब्रो। शमी भाई ये क्या रूटीन बना रखा है आपने, पहले तो आप बिरयानी खाते थे, अब तो आप टीमों के आधे आधे बल्लेबाज खा जाते हो। विलियमसन बोल रहा है कि आईपीएल में हम दोनों सेम टीम से थे, कम से कम उसी का लिहाज कर ले, लेकिन शमी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? शमी भाई ने मेरी मेंटल हेल्थ खराब होने से बचा ली, वरना एक टाइम पर तो लग रहा था कि ये सेमीफाइनल का श्राप खत्म नहीं होने वाला। वैसे खत्म तो माई 11 सर्कल ऐप के पास प्राइजेस भी नहीं हो रहे, आज फिर से 2100 रुपए का बोनस दे रहे हैं, कैसे मिलेगा वीडियो में आगे बताऊंगा। रणतंत्र देख रहे हैं आप, नमस्ते मैं हूं रौनक। भाई साहब हमारी सेमीफाइनल और नॉकआउट मैचों में जो सबसे बड़ी पनौती थी यानी कि टॉस, वो रोहित शर्मा ने जीत लिया और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो अच्छा खासा स्कोर यार बनाया। अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल वाला मैच अगर निकाल दें तो यहां पर सारी टीम वही जीती है जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करी है, और रोहित शर्मा तो सिर पर कफन बांध कर आते हैं। वर्ल्ड कप जब खत्म होगा और हम जीत जाएंगे तो रोहित अमर हो जाएंगे क्योंकि वो वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान होंगे। लेकिन इस बीच आप रोहित बल्लेबाज को कभी मत भूलिएगा क्योंकि उन्हीं की बल्लेबाजी की कोहली श्रेयस अय्यर केएल राहुल शतक लगा पा रहे हैं, क्योंकि कल एक बार फिर उन्होंने आकर टीम इंडिया को इतनी तेज शुरुआत दी कि शुरुआत का रन रेट हमारे लिए कुशन बन गया। 4 साल पहले हुए सेमीफाइनल में 5 रन पर 3 विकेट वाला जो स्कोर कार्ड था वो हम एक झटके में भूल गए थैंक्स टू रोहित शर्मा। एक बार फिर शर्मा जी के बेटे गए तो शर्मा जी का दामाद आ गया। कल 15 नवंबर था, सचिन का इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी दिन, कोहली सेमीफाइनल उसी मैदान पर खेलने उतरे जहां पर सचिन ने अपना करियर खत्म किया था, और भाई साहब डेविड बेकहम, रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर, विक्की कौशल जैसे दिग्गजों के सामने उन्होंने अपने किंग होने का पूरा एहसास दिया, और सचिन के ही होम ग्राउंड पर उनका रिकॉर्ड तोड़कर ओडीआई में 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। किंग कोहली पर वैसे तो किसी को डाउट नहीं था, लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि कोहली नॉकआउट मुकाबलों में चौक कर जाते हैं, तो ले भाई तेरे नॉकआउट वाले जोक पर भी उस आदमी ने मूत्र विसर्जन कर दिया। लेकिन इतनी बढ़िया पारी खेलने के बावजूद कोहली दिन के सबसे बढ़िया बल्लेबाज नहीं थे, क्योंकि ये टाइटल तो श्रेयस अय्यर ने अपने नाम कर लिया। 70 गेंदों में 105 रन बनाकर श्रेयस अय्यर टीम इंडिया को 397 तक ले गए, एक ऐसा स्कोर जो डिफेंडेबल था। मुझे दुख बस कल इस बात का हुआ कि शुभमन गिल की सेंचुरी रह गई यार, भाई ने 79 बनाए थे जब उनके पैर में क्रैम्प्स पड़ गए और इसके बाद उनको मैदान छोड़ना पड़ा, अगर वो पूरा खेलते तो उनकी भी सेंचुरी हो जाती। और आपको तो पता ही है कल वो मेरे माई 11 सर्कल ऐप टीम के कैप्टन थे, लेकिन चलो कोई नहीं, उनके अलावा मेरी टीम में कोहली शमी भी तो थे, मैं तो जीता। लेकिन अभी मौके खत्म नहीं हुए, आज एक जबरदस्त सेमीफाइनल और है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, जिसके मेगा कॉन्टेस्ट में टॉप करने पर आपको मिल सकता है 1 करोड़ रुपए के साथ रॉयल एनफील्ड और एक आईफोन। बगैर देरी के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम ऑफर में लेकर आया हूं आपके लिए। आज सेमीफाइनल से पहले अगर आपने ऐप डाउनलोड करके पहला डिपॉजिट कर दिया तो आपको मिलेगा 2100 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस। इसके साथ जो बंपर प्राइस मिलेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करो, 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। बाकी टीम बनाकर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 398 का टारगेट था तो हम भी थोड़ा रिलैक्स हो गए थे भाई साहब, क्योंकि अपनी टीम ने तो गंदी आदत लगा दी है कि सामने वाली टीम को 100 से पहले निपटा देंगे। ऊपर से शमी आते ही 2 विकेट ले गए, ऐसे में अपन एकदम फुल चौड़ में आ गए। एक बार तो ख्याल आया कि टाइम वेस्ट मत करो, यहीं से न्यूजीलैंड को ऑकलैंड और इंडिया को अहमदाबाद की टिकट कटवा दो, लेकिन इसके बाद हमारे साथ चोट होने लगी है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने डैरिल मिशेल के साथ मिलकर हमारी जान सुखा दी, हमें लगा सेमीफाइनल वाला भूत वापिस आ गया है। अचानक से भारत में बाइबल गीता कुरान पढ़े जाने लगे, सभी लोग अभी तक इस वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी सिर्फ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरिल मिशेल ने लगाई थी धर्मशाला में, कल उन्होंने फिर से लगा दी, हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, हमारे दिल से आ निकली कि रोहित भैया कुछ करो, हमारे पास तो थेरेपी के पैसे भी नहीं है। और रोहित भाई ने हमारी मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए मोहम्मद शमी को वापस बॉलिंग पर लगा डाला, और शमी भाई का तो फंडा आपको पता है, शमी भाई ने आते ही डबल विकेट ओवर डाला जिसमें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का भी विकेट शामिल था, और यही मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया।
इसके बाद लगातार आ रहे रन ऐसे सूख गए जैसे न्यूजीलैंड की पाइपलाइन जाम हो गई हो। कोशिश बहुत करी लेकिन शमी भाई ने सेमीफाइनल को शमी फाइनल बना डाला। वो गेंदबाजी के किंग बन गए और कोहली के रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी के बाद रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी भी कर डाली। 7 विकेट लिए। वनडे इंटरनेशनल में ये किसी भी भारतीय गेंदबाज का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। वो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे जल्दी 50 विकेट लेने वाले बॉलर भी बन गए। शमी की तारीफ लिखने बैठूंगा तो दूसरा सेमीफाइनल भी खत्म हो जाएगा और वो मैं नहीं चाहता क्योंकि जितना ब्लॉकबस्टर कल का मैच था उतना ही आज का भी मैच है और उतने ही तगड़े प्राइजेस। आज की टीम देख लो, स्क्रीन पर दिख रही है विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन, बल्लेबाजी करेंगे ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर और रसी वान डर दूसरे, ऑलराउंडर होंगे ग्लेन मैक्सवेल, यानसेन और मार्करम, जबकि गेंदबाज होंगे पैट कमिंस, जैम्पा और केशव महाराज। कप्तान बनाऊंगा यानसेन को जबकि उप कप्तान। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार क्या बात है इस मैच की, यार वो मैच में मजा आता है जो मैच एंड तक जाता है। सच्ची में जो मैच एंड तक नहीं ना जाता मुझे उस मैच का मजा ही नहीं आता, जो पहले से पता हो यार ये टीम ने जीतना है। इंडिया जब मतलब शुरुआत में उन्होंने यार मैच तो बहुत ही उन्होंने अच्छा खेला है, 397 हमें स्कोर बनाया इंडिया ने, उन्होंने टारगेट दिया था कि 398 स्कोर बनाएंगे तो न्यूजीलैंड जीतेगा। तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आते ही दो आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद उनके दो भाई बल्लेबाज थे जो टिक गए यार, सच्ची में मैंने उन्होंने ऐसा मतलब टिका के मारा, फिर 100 से ऊपर उन्होंने एक ने कर दिया, दो बल्लेबाज उनके में टिक गए वहां पे जान। हालांकि मैं अटक गई कि यार अब क्या होगा, सब दुआएं करने लगे कि यार अब ये आउट हो जाए, कहीं आउट हो जाए, क्या किया जाए। इंडिया के टीम्स के जो मतलब थे मेंबर सब उनके भी मुंह बन गए कि अब क्या करें अब क्या करें, लेकिन वीर मोहम्मद शमी को लाया गया जो कि टर्निंग एक पॉइंट है। इंडिया की टीम के पास एक बॉलर ऐसे हैं यार जो मुश्किल पड़ती है ना तो हमें वो आउट करके बचा लेते हैं इंडिया की टीम को। तो मोहम्मद शमी को भाई बहुत अच्छा फैसला किया रोहित शर्मा ने, उन्होंने उनके ओवर्स में भी बाद में हो लेकिन उन्होंने उनको ओवर्स दिए, फिर उन्होंने ऐसी भाई क्या मतलब उन्होंने किया है ऐसा कि आउट पे आउट आउट पे आउट होते ही चले गए, उनके होते ही चले गए। बाद में उनसे स्कोर नहीं हो पाया, 214 के कितना स्कोर था, उसके बाद स्कोर रुक गया, बहुत ज़्यादा रुक गया, बाद में स्कोर बहुत स्लो स्लो होने लगा। तो क्योंकि जब आपकी विकेटें जाती हैं ना फिर बहुत कम मतलब स्कोर हो पाता है, सर दूसरे भी डरते हैं कहीं हम भी ना आउट हो जाए। लेकिन यार इंडिया की टीम, मुझे भी ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि यार न्यूजीलैंड हो सकता है जीत जाए, हो सकता है जीत जाए, लेकिन यार इंडिया ने साबित किया उनके बल्लेबाज, उनके जो बॉलर्स हैं ना खासतौर पर यार मोहम्मद शमी जो कि जिन्होंने 7 आउट किए, हमें 7 आउट, 10 पूरे होते हैं तो 7 एक ही बंदे ने आउट कर दिए तो कितनी बड़ी बात होती है। यार मोहम्मद शमी ने सेमीफाइनल को सेमीफाइनल बना दिया यार, ये मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के और सच्ची में अमेजिंग, सच्ची में मैं क्या बात करूँगा आप सबके बारे में, जितनी तारीफ की जाए ना इंडिया की टीम की वो कम है। और मेरे फेवरेट विराट कोहली ने भी भाई सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यार हर रिकॉर्ड इंडिया ब्रेक कर रहा है, तो यार मज़ा ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। तो इंडिया फाइनली फाइनल में पहुंच चुका है, अभी आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच है और मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और फिर बाद में फाइनल आएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपकी क्या सोच है इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सबको फिर से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, फिर मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।